उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं नैनीताल जनपद के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने ज्योलीकोट में 313.75 लाख रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संतोष उपाध्याय की जनता के सामने ही जमकर क्लास ली। उन्होंने स्वीकृत कराई गई एक योजना का काम लंबे समय बाद भी शुरू नहीं होने पर उपाध्याय को अपने सामने बुलाकर जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री यहाँ तक बोल गए कि यदि काम नहीं कर सकते तो उपाध्याय अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। इसके बाद भी उपाध्याय 15 दिन में कार्य शुरू करने को कहने लगे, लेकिन मंत्री ने उन्हें अगले 10 दिन के भीतर कार्य शुरू करते हुए भूमि पूजन करने को कहा। उल्लेखनीय है कि उपाध्याय के खिलाफ कई बार स्वयं सत्तारूढ़ दल के लोग एवं मल्लीताल व्यापार मंडल के लोग कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के सामने हटाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन वह लंबे समय से अपने पद पर बने हुए हैं। विस्तृत समाचार नवीन समाचार.com के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। धन्यवाद। मिट्टी भरा हुआ है, पहाड़ नीचे आया है, क्या उसको ये कोई बहाना है? बॉन्ड हो गया तो फिर कब क्यों नहीं हो रहा? कब से शुरू करें? मैं आज आपसे नाम पूछना चाहता हूँ, फ्री सभी लोगों के बीच में पूछना चाहता हूँ, कब से काम शुरू करेंगे आप? कब करेंगे? कितने दिन में करेंगे मुझे बताइए। मैं कोई बहाना नहीं सुन रहा, यह तब भी कह रहा हूं, मैं कब से शुरू करेंगे मुझे बताइए। आज तेईस तारीख से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। मैं उसके बाद फिर कोई यदि परंतु कुछ नहीं सुनूंगा। और ये प्रमुख जी आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे प्रधान जी की, और पट्टे जी आपको भी देखना होगा। 23 तारीख इन्होंने कहा 23 तारीख को भूमि पूजन हो जाएगा, आज तो शिलान्यास हुआ, उसे भूमि पूजन हो जाएगा, तो 23 तारीख से इसमें काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है। मैं कोई बहाना नहीं सुन रहा, यह तब भी कह रहा हूँ, मैं कब से शुरू करेंगे मुझे बताइए। आज यही पर बताइए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपना बोले दिक्कत। मैं कोई बहाना नहीं सुन रहा, यह तब भी कह रहा हूँ, मैं कब से शुरू करेंगे मुझे बताइए। आज यही पर बताइए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपना बोले दिक्कत।